वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट चैनल स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंटरमीडिएट इंग्लिश पोइट्री की पोएम नंबर 9 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इससे पहले हम पोएम शुरू करें तो व्यूअर्स, जो लोग इस हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आइकन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनको मिल सकें और वे हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं पोयम को। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए स्नो इवनिंग, यह पोयम लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उनको नेचर पोएट कहा जाता है। यह पोयम बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जब उनकी मृत्यु हुई थी तो उनकी टेबल पर इस पोयम की अंतिम चार पंक्तियाँ लिखी हुई मिली थी। ये एक सिंपल पोयम है, इसमें एक जिम्मेदारी का एहसास कराया गया है। एक व्यक्ति की कहानी है जो अपने घर जा रहा था और रास्ते में वो जंगल की खूबसूरती को देखकर रुक गया निहारने के लिए और उसका मन किया कि यहीं ठहर जाऊँ, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा कि नहीं, वह यहाँ नहीं ठहर सकता क्योंकि उसे अभी अपने बहुत कार्य पूरे करने हैं और इससे पहले कि वो यहाँ रुककर समय खराब करे उसे जाकर अपने कार्य पूरे करने हैं। तो आइए देखते हैं इस पोयम की लाइन बाय लाइन। तो चलिए शुरू देखते हैं। हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो, कवि कहता है कि हुज वुड्स दीज आर आई थिंक आई नो। वुड्स का मतलब यहाँ पर है जंगल से। ये जंगल किसका है? आई थिंक आई नो, शायद मुझे पता है। ये जंगल किसके हैं, ये वन किसके हैं, शायद मुझे पता है। हिज हाउस इज इन द विलेज, उसका घर गांव में है। दो, यद्यपि ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर, यद्यपि वह मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा। टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विद स्नो, यद्यपि वो मुझे यहाँ रुकते हुए नहीं देख पाएगा, वो नहीं देख पाएगा कि मैं बर्फ से ढकी हुई उसकी उसके वनों को देख रहा हूँ। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ देखते हैं। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, क्वियर माने अजीब विचित्र। तो कवि कहता है कि मेरे घोड़े को, मेरे छोटे घोड़े को ये बड़ा विचित्र लगता होगा, मेरे घोड़े को बड़ा अजीब लग रहा होगा टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कि मैं यहाँ ऐसी जगह रुक गया हूँ जहाँ कोई पास में फार्म हाउस भी नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, ये साल की सबसे डार्क इवनिंग है, सबसे घनी रात है, सबसे गहरी रात है। और बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, फ्रोजन लेक माने बर्फ से ढकी, बर्फ से जमी हुई झील और वन, वनों के बीच में। तो पूरी चार लाइन का अर्थ देखिए, वो कवि कहता है कि मेरे घोड़े को बड़ा विचित्र लग रहा होगा कि मैं यहाँ बर्फ से ढकी हुई इस झील और जंगल के बीच में रुक गया हूँ, यहाँ कोई फार्म हाउस भी करीब नहीं है और ये साल की सबसे गहरी घनी अंधेरी रात है और मैं यहाँ अचानक रुक गया हूँ, इस बात को लेकर मेरा घोड़ा बड़ा विचित्र महसूस कर रहा होगा। आगे देखिए, ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, हार्नेस बेल का मतलब जो उसकी लगाम में बंधी हुई हैं घंटियाँ, घोड़े की जो लगाम में घंटियाँ बंधी हुई हैं उनको वो शेक करता है, उनको वो हिलाता है। और टू आस्क, वो इसलिए हिलाता है शायद मानो वो पूछ रहा हो, If there is some mistake, क्या कोई गलती हो गई है, क्या कारण है कि यहाँ हम पास में फार्म हाउस भी नहीं है और इस अंधेरी रात में हम रुक गए हैं, ये शायद पूछने के लिए घोड़ा अपनी जो लगाम में बंधी हुई घंटियाँ हैं उनको हिलाता है। The only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. Downy flake का मतलब गिरती हुई बर्फ, बर्फ के जो बारीक बारीक टुकड़े हैं उनकी आवाज़। तो कवि कहता है कि घोड़ा अपनी लगाम में बंधी घंटियों को हिला करके शायद ये पूछना चाह रहा है कि क्या कोई मिस्टेक हो गई है,
क्या कोई गड़बड़ है कि हम यहाँ रुक गए हैं? कवि कहता है कि इसके अलावा और कोई आवाज़ यहाँ नहीं है, केवल जो दूसरी आवाज़ है वो केवल ईजी विंड, बहती हुई हवा की आवाज़ है और गिरती हुई बर्फ़ की आवाज़ है। आगे देखिए, ये अंतिम चार लाइनें हैं जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की टेबल पर मिली थी। देखिए इसमें क्या कहा गया है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। कवि कहता है कि वुड्स, वुड्स माने ये जंगल बहुत ही प्यारे हैं, घने हैं और गहरे हैं। बट आई हैव प्रोमिसज टू कीप। कवि कहता है कि ये जंगल इतने सुंदर हैं, इतने घने हैं कि मन करता है यहीं ठहर जाऊँ, यहीं इनकी सुंदरता निहारता रहूँ, मगर आई हैव प्रोमिसज टू कीप, मुझे कुछ वायदे निभाने हैं, मुझे कुछ अपने कार्य करने हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, और इससे पहले कि मैं सो जाऊँ या मृत्यु को प्राप्त कर जाऊँ, मुझे अपने बहुत कार्य करने हैं, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे मीलों दूर जाना है कि इससे पहले मैं सोऊं, अर्थात मुझे अपने जीवन के कार्यों को पूर्ण करना है, इसलिए मैं यहाँ नहीं ठहर सकता। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को लाइक करें, अपने कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। अपने साथियों से कहें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें, ताकि ये लोकप्रिय हो। इससे आपका लाभ होगा और इस चैनल को प्रसिद्धि मिलेगी, ताकि और आपके लिए नए नए वीडियो हम बना पाएंगे। आपके कमेंट से आप सब्सक्राइब करते हैं तो मनोबल बढ़ता है और नया नया अच्छा करने का आपके लिए हौसला बढ़ता है, तो इसलिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। कृपया इस चीज़ को आप ध्यान रखें। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।